नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 510 आईपीसी के बारे में। दोस्तों 510 आईपीसी कहता क्या है? 510 में दोस्तों नशे की हालत में किया गया मिसकंडक्ट, यानी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पब्लिक प्लेस पे कोई व्यक्ति नशे की हालत में आके न्यूसेंस क्रिएट करने लग जाता है और किसी व्यक्ति के साथ में मिसकंडक्ट करने लग जाता है। जिस व्यक्ति के साथ में मिसकंडक्ट कर रहा है या फिर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो नियर बाई थाने में जाके राइटिंग में उस व्यक्ति के बारे में शिकायत दर्ज कराए। दोस्तों ये आईपीसी का एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे कम सजा का प्रावधान है, यानी इसमें सिर्फ 24 घंटे की सजा और ₹10 के जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए अक्सर दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति नशे की हालत में न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद में इसके ऊपर में सजा ज़्यादा नहीं है, यानी 24 घंटे के अंदर ये व्यक्ति रिलीज हो जाएगा और सिर्फ ₹10 का इसके ऊपर जुर्माना लगता है। और आईपीसी में ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबसे कम सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उसे एक्सक्यूज नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आगे आकर उसकी शिकायत दर्ज ज़रूर करानी चाहिए ताकि दूसरे लोगों के ऊपर में भी इस बात का इफ़ेक्ट पड़े कि अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो आपके विरुद्ध भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इज्जतदार इंसान है तो उसके ऊपर में 24 घंटे की जो सज़ा है वो ही काफ़ी है, क्योंकि उससे उसकी समाज में बेइज्जती होती है, उससे उसकी समाज में जो प्रतिष्ठा है उसके ऊपर में बुरा असर पड़ता है। तो वो फिर जो है आइंदा के लिए अपने आप को सावधान कर लेता है और अगर नशे की हालत में है तो भी जो है अपने आप को वो ऐसा प्रतीत नहीं होने देगा जिससे कि उसे ऐसा लगे कि वो नशे की हालत में है और वो न्यूसेंस क्रिएट करे। तो दोस्तों 510 आईपीसी जो है वो इस बात की तस्दीक करता है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में पब्लिक प्लेस के ऊपर में, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद या फिर कोई मार्केट है, उसमें किसी भी तरह की न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर में सजा का प्रावधान है और 24 घंटे की उसको कस्टडी और ₹10 का जुर्माना उसके ऊपर में लग सकता है। नशे की हालत की वजह से दोस्तों सामने वाले व्यक्ति के को मानसिक कष्ट होता है और उस मानसिक कष्ट होने की वजह से वो व्यक्ति जो है नशे की हालत वाले व्यक्ति के खिलाफ में थाने में जाके नियर बाई जो थाना है उसमें शिकायत दर्ज करा सकता है। वो इसे इस बात का अधिकार होता है और पुलिस जो है तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करती है और उस व्यक्ति का मेडिकल भी होता है जिससे ये पता चल सके कि उसने नशे की जो वस्तु ले रखी है उसका लेवल कितना है, ताकि आगे उसके ऊपर में कार्रवाई करने में आसानी हो सके और कोर्ट में उस चीज़ को प्रूव किया जा सके। तो दोस्तों 510 आईपीसी नशे की हालत में किए गए मिसकंडक्ट के बारे में बताती है। मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार।